कल से और आज भी देखे होंगे अखबारों में और कल सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ। हम तो ऐसे बदनाम ही हैं कि सरकार को ऐना हर हमेशा दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं झारखंड में क्या हो रहा है। लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा होगा कि सरकार के जो सहयोगी दल है, उनके जो विधायक है, उनके जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने साफ कहा कि भाई किस प्रकार के राज्य में एसपी और डीसी लोगों का पदस्थापन 5-5 करोड़ रुपया में होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने जनता की जब सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है और आरोप लगाया है, तो ये आप सबको ध्यान में है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अफसर और अपराधी मिलकर के अपराध करते हैं। विधायक ने तो कहा 60-40 और उन्होंने कहा कि 50-50 ये बंटवारा होता है। तो आप ये जरा सोचिए, राज्य में क्या हो रहा है, कैसी सरकारी चल रही है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कभी जेल से, मैंने जेल में कैदियों से बात कर, मैंने कैदियों से ही मनचाहा अफसर अपनी पोस्टिंग कराते हैं, इससे बड़ी और खतरनाक स्थिति क्या होगी। अगर इस प्रदेश में अपराधियों के कहने पर या उनके इच्छा से अफसरों का, पुलिस अफसरों को भी खास करके पदस्थापन होता है, तो फिर राज्य में अपराध कैसे रुकेगा, किस प्रकार से रुकेगा। ये हमारी कहना नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, उनके कहा हुआ बात मैं कह रहा हूँ। कल आप सब लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा था, आज अखबारों में भी छापा है। तो ये हालत है। और जेल में जो बंद है, एक दलाल आप सबको पता ही है, प्रेम प्रकाश, यानी वहां से वो पोस्टिंग ही नहीं कराते हैं। पिछले दिनों क्रिकेट का खेल हुआ, पता चला कि क्रिकेट का वो पास भी वो बांट रहे थे जेल से ही। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि भाई आपका कोई संबंध उम्बंध है तो हम लोगों को दिला दो। हमने कहा यार जेल से तो मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। तो ये राज्य की एक तस्वीर है, घोटाला है। जो पूर्व के यहाँ डीसी थे छवि रंजन, जब पदस्थापित थे, सरकारी जमीन हो, यानी घर मजूरा जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, सरकारी जमीन हो, यहाँ तक छोड़ दीजिए कि जो हमारी सेना है, जो देश की प्रहरी होते हैं, उनकी जमीन को भी इधर उधर करके उस लोगों ने बेच डाला है। और उसकी भी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पड़ा हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन भी उस जमीन के, यानी उस पर जांच होगी, तो अभी तक झारखंड में जितनी भी घोटाला के हम सब लोगों ने सुना है, ये सारे घोटाला को पीछे छोड़ देगी। यानी इस प्रकार की जमीनों की यहाँ लूट हुई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर हम आज कहें झारखंड में लुटेरों की सरकार है, लूटने के लिए पदस्थापित है, और लूटने के लिए भ्रष्ट अफसरों को, 4 सीटेड अफसरों को जगह जगह पर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पदस्थापित कर रखा है, ताकि तुम भी लूटो और लूट का 50-60-80 जहाँ जैसा बनता हो वैसा वसूल करो, यही इस राज्य में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड है, इसी के बगल में क्या बोलते हैं, एक दरोगा पदस्थापित है, क्या है, तोपुदाना में। एसीबी ने उनको घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, उसको जेल में डाला, 4 सीटेड है, मामला अदालत में चल रहा है। और जहां वो तोपुदाना में संध्या टोपनो पदस्थापित थी, उनको गो तस्करों ने कुचल करके मार दिया। तो जैसे ही वो जगह खाली हुआ, एक भ्रष्ट दरोगा को उस स्थान पर फिर से पदस्थापित किया।
इस दिनों जो जानकारी मिल रही उस क्षेत्र से किस प्रकार से वसूली हो रही है, क्योंकि उस दरोगा का कनेक्शन सीएम हाउस तक है और उस क्षेत्र में जुआ खेलवाना, उस क्षेत्र में अवैध उत्खनन कराना, उस सड़क से गौ तस्करी करवाना और उससे मोटी रकम वसूल करके और सीएम के घरों तक पहुंचती है, तभी तो ऐसी भ्रष्ट अफसर को उस महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थापित किया गया है। और फिर मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि अभी तक तो हम सब लोगों ने घोटालों के बारे में सुन रहे थे, साहेबगंज का जहाँ से अभी विधायक जी खड़े हैं कि 1000 करोड़ रुपया का ईडी वालों ने एक के ऊपर एफआईआर किया है, इतना बड़ा वहाँ घोटाला हुआ। फिर कल परसों वीरेंद्र राम पकड़े गए, उसके बारे में भी हम सब लोगों ने देखा पढ़ा सब कुछ, आप सब लोगों ने सुना भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रांची में जो जमीन घोटाला हुआ, मैं तो बार बार कहते रहा हूँ, राज्य के जो अफसर है, ये राज्य के जो मुख्यमंत्री है, अफसरों का यानी वो अफसरों को पोस्टिंग करते हैं लुटवाने के लिए, राज्य को लूटने के लिए, और लूटते हैं तो उसमें से राज्य के में मुख्यमंत्री जो बैठे हुए उनको हिस्सा मिलता है। अगर गलती से कोई अफसर पकड़ा जाए तो फिर उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। आप सब लोगों ने देखा है पिछले दिनों दिल्ली से लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उनको बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ती है, उनको कैसे बचाया जाए भ्रष्ट अफसर को, उसके लिए पूरी तरह से सरकार प्रयास करती है, हेमंत सोरेन जी प्रयास करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका आप सब लोग उदाहरण भी जानते हैं, पूजा सिंघल के ऊपर करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर करने की अनुमति को भी सरकार ने रोकी हुई। अब हेमंत सोरेन को बतानी चाहिए आखिर उनके जो एफआईआर करने की जो अनुमति है फिर उन्होंने क्यों नहीं दे रहे, अभी तक क्यों उन्होंने लटकाए रखा है। ये बिल्कुल साफ है कि वो बचाना चाहते हैं, उनको बचाने के लिए प्रयासरत है। फिर आपने देखा कि वीरेंद्र राम अभी पकड़ाए हैं, उनके यहाँ क्या क्या मिला, मैं उसकी वर्णन नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने खुद ही वर्णन कर चुका है, हम लोग तो उसी से सुनते हैं, उसी से समझते हैं, सीखते हैं, उसी बात को फिर आप लोगों के समझ रखते हैं। तो आपने देखा कि जब वीरेंद्र राम के ऊपर एसीबी ने जब जांच किया और अनुमति मांगी सरकार से, तो आज तक आखिर अनुमति सरकार ने क्यों नहीं दिया, हेमंत सोरेन जी ने क्यों नहीं दिया, उनके विभाग के मंत्री ने, आखिर वो फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, क्यों उनको बचा रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि इस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में सरकार काम कर रही है, कैसे इनका भ्रष्ट अफसरों के साथ गठजोड़ है, कैसे भ्रष्ट अफसरों को महत्वपूर्ण जगह पर पदस्थापित करके राज्य के खजानों को लुटवाना, ये बिल्कुल आम बात है। लाल जी कहिए, मैं कहूँगा इतने सम्मानित इतने वरिष्ठ हैं, मुझे कहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ उनकी स्थिति सही नहीं है, संतुलित नहीं है। वो जो भी कहते हैं अब एक कहा जाए तो ऐसे अच्छी मानसिक जो उनकी स्थिति है उसमें नहीं कहते हैं, वो अब थोड़े बौखलाए हुए हैं क्योंकि 3 साल से इंतज़ार कर रहे थे जिस चीज़ का, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वो नेता प्रतिपक्ष की ओर कुर्सी की ओर बहुत कहा जाए तो बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो उनके उनकी बातें इस तरह की होंगी ही उनकी बातों से। राज्यपाल ने जो अभिभाषण सुझाव देना यही चाहेंगे, देखिए हमारे माननीय, मैं तो पहली बार का विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये तो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं,
और राज्य के प्रति अगर इनकी संवेदना है माननीय बाबूलाल जी की, तो ये जिस दल से चुनाव जीत कर आए सिर्फ लाइमलाइट में रहना, जनहित से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो बातें हैं वो बैठकर की जा सकती हैं, सदन के अंदर की जा सकती है, सदन के अंदर उन्हें जवाब मिल सकता है, लेकिन ये हंगामा करके चाहते हैं कि हम अपना चेहरा चमकाएं, तो ये तो सदन आहूत सदन के बाहर हंगामा करने के लिए नहीं होता है। सदन आहूत होता है सदन के अंदर बातें रखने के लिए, वो सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री और हम मंत्रीगण सभी लोग तैयार हैं। आप सदन में के अंदर आप बातों को उठाएं और उनका जवाब उन्हें दिया जाए। योगेंद्र साहब बोल रहे हैं कि इससे बढ़िया तो देखिए, मैंने कहा योगेंद्र साहब क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये उनका अपना व्यक्तिगत ये है। हम यही कह रहे हैं कि जो भी जिनकी भी जिज्ञासाएँ हैं और जिनके भी जो भी सवाल हैं उन सभी सवाल अच्छा मतदान हो रहा है वहाँ पर, और कोशिश करें कि सभी मतदाता वहाँ पर आए और अपना मतदान करें। और हम लोग ने जिस रूप से तैयारी की है, राजग की जिस रूप से तैयारी हमारी है, ये निश्चित है कि उनका जनता का आशीर्वाद हमारे पक्ष में आएगा, हमारे कैंडिडेट के पक्ष में आएगा। सर ग्रामीण इलाके मैंने इस बार दोनों अपील की थी, मैं एक जनरल अपील किया था कि जो भी मतदाता चाहे शहर या गाँव सभी लोग हिस्सा बने, इसका मतदान का हिस्सा बने। और ग्रामीण में पहले भी पूर्व में भी ग्रामीण में देखा जाता है कि उसमें रुझान ज़्यादा होता है शहर के अपेक्षा, लेकिन इस बार शहर में भी अपील की गई है और मुझे विश्वास है कि शाम होते होते 5 बजे तक वो रिजल्ट पिछले से ज़्यादा रहेगा। बनाए हुए कागज़ को ही पढ़ा जाता है, ये एक प्रिपार्टी की तरह है। और जो आप देखे होंगे पिछले पूर्व बीते वर्ष में जिन बातों का उल्लेख किया गया उनमें, कि मैंने पहले भी कहा था कि वो कागज़ का केवल एक पन्ना और किताब बन गया है, लेकिन जो बातें कही जाती है सरकार की ओर से या जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो यथार्थ से और उसका संबंध नहीं होता है। सर ये लॉ एंड ऑर्डर का चेहरा है, आप गवर्नर के माध्यम से क्या चीज़ बोलवाना चाहते हैं, क्योंकि कॉमन मैन आम आदमी भी जो घटनाएँ घट रही है जिस रूप से आप घटनाओं को देख रहे हैं, तो ये नज़रिया को सभी किस रूप से लेते हैं, सरकार को अरे सरकार का जवाबदेही कहाँ तक निश्चित किया हुआ है, या फिर विधानसभा के अंदर केवल रटे जाने वाले या किताब के पन्नों में इनका अपराध जो जीरो टॉलरेंस वाली जो बात करते हैं या फिर अपराध विहीन स्टेट की बात करते हैं और नियंत्रण की बात करते हैं वो केवल किताबों में तक सीमित है। अपराध के लिए इनके विधायक प्रतिनिधि इनके अभी जो घटना घटी, देखो रामगढ़ की इतनी बड़ी घटना घट गई, उससे कुछ दिन पहले वहीं हमारा एक प्रतिनिधि मुंडा उनका भी इसी तरह से हत्या हो गया। तो लगातार हम लोग एक साल से ग्राफ जो बढ़ा है उसको आप देखते जाए, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। मेन रोड में रांची मेन रोड की घटना को ले लीजिए, किस रूप से अनियंत्रित है यहाँ। उपचुनाव में प्रोटोकॉल जो होता है अनुशासन से चलता है, ये बातें हम हर कार्यक्रम में जो राज्य की हमारी जो सरकार की कार्यक्रम है और जितने भी पार्टी के कार्यक्रम है, भारत जोड़ो यात्रा में हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी रांची में जो राजधानी में हुआ हमने कार्यक्रम शिरकत किया, बढ़ चढ़ करके शिरकत किया। राहुल जी का उद्देश्य है उसको यहाँ पेश करने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ा। ठीक है अभी हम सस्पेंड हैं, लेकिन हमारा यह कहना है जब आप अगर मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो जब रिजल्ट आएगा तब का रिजल्ट आएगा। अभी तो सारा चीज़ हो गया, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, सरकार के एक हिस्सा हैं,
और निश्चित तौर से पार्टी का जो भी फरमान आया, हमने रामगढ़ चुनाव में भी पार्टी का फरमान आया, सरकार का फरमान आया, हमने रामगढ़ चुनाव में भी जितना यथासंभव हो सके हमने अपने जो गठबंधन के प्रत्याशी उनके पक्ष प्रचार करने का प्रयास किया। रही बात बुलाने नहीं बुलाने का, ठीक है पार्टी कार्यक्रम में जाने से मनोबल बढ़ता है, लेकिन आप अगर ऐसे चलेंगे तो उसमें आप तो कार्यकर्ता हैं, आप कार्यकर्ता जिस दिन आला कमान को लगेगा उनको बुलाया जाएगा। विधायक जी, एक आखिरी सवाल, आपने सिर्फ इतना कहना है कि मुझे माननीय न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने भी अपने वर्डिंग में इस बात का जिक्र किया, न्यायालय पे कोई कटाक्ष नहीं होगा, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय पे मुझे पूर्ण विश्वास है, न्याय होगा, न्याय हमारे साथ न्याय। झारखंड की आवाज यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।